हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 7:30, और बस सबने चाय पानी पिया है। यसु भी आज थोड़ा जल्दी उठ गई, तो बस मम्मी के पास यहाँ अंगीठी के पास ये बैठी हुई है मम्मी के साथ में। अकेले तो थोड़ा बच्चे का डर रहता है ना, लेकिन अंगीठी के पास में थोड़ा गर्माहट सी रहती है। और यहाँ मम्मी बस अंगीठी सिलगा ही रही हैं। वैसे तो मतलब थोड़ी देर पहले तक तो काफ़ी अच्छे से अंगीठी सिलग रही थी। देखो वो साइड में जो टोपिया रखा है ना पानी का, एक अरुण नहा भी चुका है एक टोपिए से, और अब ये एकदम से भुज गई। तो बस मम्मी दोबारा सिलगा रही है। मम्मी ने सोचा था कि सब्जी के भी इसके ऊपर आज बना देते हैं। वैसे तो हम रोज़ ही अब लगभग सारा काम अंगीठी पर ही करते हैं। दूध भी गर्म कर लेते हैं, खाना आसानी से बन जाता है। एक तो टाइम का पता नहीं चलता, गैस के पास खड़े खड़े इंसान परेशान हो जाता है काफ़ी, और बोर भी हो जाता है। और यहाँ बैठे बैठे खुद को ही नहीं पता चलता, और सारा काम भी कंप्लीट हो जाता है। तो बस अभी मम्मी से अंगीठी सिलगा देती है, उसके बाद में सब्जी छौकेंगे मम्मी, और मैं बाकी तब तक झाड़ू का काम कर लेती हूँ। तो जी आज हमारे बनने वाली है ब्रोकली की सब्जी। तो इसके लिए पहले मम्मी ने थोड़े से जो आलू हैं वो फ्राई कर लिए थे इसके अंदर ही। थोड़े से आलू है ना, फ्राई करने से क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाते हैं। और इसके अलावा जो सब्जी है ब्रोकली, उसको भी अब मम्मी ने पहले फ्राई कर लिया है। तेरी वीडियो तो जी ये देखे, मास्टर शेफ लगे हुए हैं सब्जी बनाने के लिए, और ये यसु की तो वीडियो आ ही नहीं रही है। ये हम सब पे हुक्म चला रही है, और ये किसी की बहन नहीं बनने वाली, सबकी बहन नहीं बनने वाली। तो किसकी बहन बनोगी? किसकी बनोगी? इसकी खुद की बहन बनेगी। और अरुण को तो भाई सुबह से डांट पड़ रही है आज। क्या हुआ बेटा? इधर तेरी मामी को, तेरी मामी को भी डांट मारनी है क्या? वो अच्छी हैं, वो अच्छे काम करती हैं। इसकी मामी तो बस अच्छी है बेटा। मुंह में हाँ तो जी व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो प्लीज़ अभी तक जी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और आज मेरे को जाना है थोड़ा हॉस्पिटल, बहुत ज़रूरी काम है हॉस्पिटल में, क्योंकि जो अब जो लास्ट चेकअप है उसी पे सब कुछ डिपेंड होता है कि बेबी की पोजिशन क्या है, मूवमेंट कैसा कर रहा है बेबी, और कब तक मतलब चांसेज है डिलीवरी के, ये सब कुछ आज पता चल जाता। इसलिए मैं आज जाने वाली हूँ हॉस्पिटल। और सुबह का बज रहा है लगभग 11:30 हो चुके हैं, और आज मुझे हॉस्पिटल जाना था। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कैसा मौसम है बाहर, कि हॉस्पिटल तो कहाँ इंसान पास की गली तक नहीं जा सकता। एक मिनट, अभी तो फिर भी काफ़ी टाइम हो रहा है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा हल्का हल्का राम जी खुलने लगा। देखिए ऐसे मौसम में मतलब, और नीचे बारिश भी आ रही है, देखिए हल्की हल्की बूंदाबांदी। ऐसे मौसम में मैं तो मतलब जा भी सकती हूँ। यसु को ये इतनी देर रुकेगी नहीं यार, हॉस्पिटल में टाइम का पता नहीं होता ना, तो यसु को कैसे छोड़ के जाऊँ, इसलिए आज कैंसिल करना पड़ेगा। जाना बहुत ज़रूरी था वैसे हॉस्पिटल। और यहाँ अरुण अपना अंगीठी अभी क्यों सिलका रहे हो भाई? बाबू करूँ मैं? अच्छा। तो भैया अरुण अपना काम इससे हो नहीं पा रहा है, ऑफिस का काम, इसलिए अंगीठी जला के अपने पास बैठेगा। अभी भी मैं इसने अपने पैरों के पास में रख रखी थी अंगीठी। तो चलिए चलते हैं अंदर,
और ये बाबू को कुछ मतलब तकलीफ तो नहीं लग रही है अभी फिलहाल, तो ये लाइट ऑफ कर देती हूँ। कई बार हो जाता है मतलब बच्चा सुस्त सुस्त अपने आप रहने लगता है। मुझे तो पर थोड़ी टेंशन हो रही थी रात से ही, लेकिन कुछ ऐसा सिम्टम भी नहीं लग रहा था कि इसकी तबीयत खराब हो, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लिया टेम्परेचर इसका, तो टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, 97 पॉइंट समथिंग है, 98 तो बच्चे का होता होना ही चाहिए, और वो भी ठंड चल रही है ना अभी, तो बस दुबक के सो रही है। बच्चे का अपना अपना टाइम होता है, नहीं तो पता नहीं किस समय क्या करें। तो चलिए मैं बना लेती हूँ भाभी के लिए खाना, उसके बाद आपसे लोगों से बात करती हूँ। आज हॉस्पिटल जाना था हमें। अरे मम्मी कोई हॉस्पिटल ही ना ले जाए, ऐसी बढ़िया तो ससुराल में ठीक थी कम से कम। सॉरी डॉक्टर बढ़िया कर ले ले दवाई, नहीं सीधा दवाई ना चाहिए यार, बहुत जरूरी था आज हॉस्पिटल जानो, सबको ऐसा आज का उस पे सब डिपेंड था, आगे के होना है काल वे कैसे जाऊंगी कल। दवाई एक ऊपर पड़गी ना के यो तेजाब है एक तरीका, तो ये तेजाब पूरे धरन किचे गए हैं हैं? अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और उधर रखो, डॉक्टर तो चला गया विंग अभी तक, जानो तो मैं जरूरी थो के करूं। ऊपर तो मेरी रिपोर्ट रिपोर्ट भी सब वही है। सच में दिखाते रात मार्च तक ही नहीं आएगी, मार्च में जाडो रहो। मम्मी ने कहा मैं जाडो फिर मार्च तक मैक्सिमम में आज ना भाई गोरत लग रही रे कसम से, ले देख ले और के और के देख ले ओ गोरे अर्जुन एक बार अपना हाथ बाहर कर ले फिर वापस इधर कर लिया। आज मम्मी ने अल्टीमेटम दे रखा है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक दोनों भाई फ्री हैं। मम्मी मम्मी बहू की शिकायत कर रही है, देख लो मैं पेट पर कई फिर ले हाँ अरुण पेट पर के लिए क्या करूं मैं दो पाटों के बीच में पिस रहा सीखना पड़ेगा और के चोरी के लिए जाएगी बाहर मत कंडेगा तू जो आएगा कम्बल में सही से कम्बल के ऊपर का अपन लो कम्बल भी जरूरी है ना सही बात तो साथ जाने वाले आदमी मत हाँ देखने की हिम्मत भी ना रखो इतने क्या आप कुछ बोल तो सरी पहले मुंह से बाहर हाथ निकाल फिर बोला कर। अच्छा बताओ आपके पापा का नाम क्या है? तीत तीत नहीं दिखाना, नाम बता तेरे पिता का क्या नाम है? मेरे पिताजी का पिताजी। इसके पिताजी का नाम पिताजी है और आपकी माताजी का नाम क्या है? मेरी सुगली माँ। मेरी सुगली माँ। तो जी आज इसकी माता जी का नाम पता चल गया आपको, इसकी सुगली माँ। हाँ चल मैं अभी बना दूँ। तो जी अभी खाना वाना सबका हो गया है और मौसम अभी भी वैसा का वैसा ही है। देखिए मैंने सोचा था कि थोड़ा सा क्या पता छट जाए ये जो बादल है, तो छोटे बाबू के कपड़े हैं ये छत पे डाल दूं, लेकिन अभी फिलहाल मौसम ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ तो ऐसा मानते हैं कि ऐसे कपड़े बारिश के मौसम में बिल्कुल छत पे नहीं डालने चाहिए, बच्चे के झड़प हो जाती है, और झड़प से मतलब है मेरा कि ग्रीन ग्रीन कोटी आने लगती है बच्चे को, तो इस वजह से फिर जो कपड़े हैं मैं अभी निकाल रही हूँ उनको मशीन में से और सीधा बस रेलिंग पे डाल देती हूँ इधर, क्योंकि कपड़े कब तक ऐसे मशीन में रहेंगे, कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए इनको। वैसे धुले तो हाथ से ही थे लेकिन थोड़े ड्राई हो कर लिए ना तो ठीक है। रात को इसको थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो उल्टी उल्टी हो गई थी, बाबू को पोटी भी आ रही थी बार बार, तो वो सब कपड़े धोने जरूरी थे, नहीं तो आज कैंसिल भी कर देते कपड़े धोने। तो जी मेरे भी पैर में दर्द आ रहा है बहुत बेकार, हाँ कितने दिन ये दर्द और रहेगा, भगवान जल्दी से जल्दी मैं सही हो जाऊं। ठीक है तो जी।
कल तकिया वकिया सब कुछ भांड दिया इसने उल्टी में, देखो तो अभी वो सब भी राई वाला तकिया होता ना, तो वो तकिया भी मम्मी ने राई निकाल के वापस धोया है। यसु सो गई, मम्मी अरुण मार्केट गए हैं और अर्जुन कर रहा है अपना ऑफिस वर्क। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में।